तमिलनाडु के कुन्नूर में आज हुए एक भयानक विमान हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है। इस विमान में CDS विपिन रावत व उनकी पत्नी समेत 14 लोग सवार थे। सामने आ रही जानकारी के मुताबिक हेलीकॉप्टर क्रैश से आग लग गई, जिसमें अधिकारी बुरी तरह से झुलस गए। हालांकि अभी तक CDS विपिन रावत की हालत के बारे में सेना की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश होने पर यह जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपात बैठक बुलाई है। खबर है कि CDS विपिन रावत को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं दुर्घटना स्थल से मिले शवों को तमिलनाडु के वेलिंगटन स्थित सेना के अस्पताल में ले जाया गया। वायुसेना ने हादसे की पुष्टि करते हुए कहा है कि सेना का MI-17V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। इस हेलीकॉप्टर में CDS विपिन रावत भी मौजूद थे। वायुसेना ने हादसे का कारण जानने के लिए जांच के आदेश जारी कर दिए हैं।